अब तुम यहाँ पे मजे से लूट कर रहे होते हो, लेकिन कहीं से एक ही टीम के तीन पोरे आते और वो तीनों मिलके तुम्हें चिपक जाते, लेकिन उसके बाद तुम फिर से उसी जगह पे जाके अकेले उन तीनों पोरों को फटके देते हो। तो नमस्कार मंडली, स्वागत है तुमचा बगमी के एक और धड़ाके बाजुड़ों में, और आज के गेम प्ले में ऐसा ही कुछ होने वाला है। अब अंदर आके इसको तो दबोच लिया, लेकिन ये पूरा सामने किसी से तो भी छुप रहा था। और यहाँ पे अपनी पहली किल चोरी हो गई। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई थी, लेकिन इस पोरे को दबोच लिया। अब मैं इसको तो नॉक कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे इसका टीममेट भी होता है और ये आ जाता है इसको रिवाइव देने के लिए। ऑसम। अब इसके टीममेट ने तो यहाँ पे रश कर दिया, लेकिन यहाँ ऊपर पे एक और पोरा होता है और वो बाहर किसी से तो भी मारामारी करता है। अब उसके बाद यहाँ पे एक पोरा आता है और वो निकालता है यहाँ पे त्रिशूल। अब मैंने इस पोरे को पहले पूरा त्रिशूल निकालने दिया ताकि मुझे वहां पे जाके सिर्फ रिकॉल कार्ड उठाना पड़े, लेकिन वहां स्मोक में एक और पोरा बैठ रखा है। अब सामने पे ये जो पोरे आ रखा है, ये यहाँ पे अकेला नहीं है, ये आ रखा है अपने दो टीममेटों के साथ। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे ऊपर। I got supplies. अब पता नहीं ये पोरे अंदर कभी आए, लेकिन इस पोरे का नाम याद रख लेना। अब इन्हीं पोरों में से एक पोरे ने मेरे टीममेट को डिब्बे चिपका दी, तो इसका भी नाम याद रख लेना। अब ये वो पोरा था जिसने मुझे नॉक किया था, और इसके बाकी के दो टीममेट या नीचे वाले फ्लोर पे घूम रहे। अब इनको मेरी लोकेशन पता है तो यहाँ पे नेड़ फेंकेंगे। और ये था वो पोरिया जिसने मेरे टीममेट को डीबीए चिपकाई थी। अब यहाँ पे पानी तो भर गया, लेकिन इनका आखिरी टीममेट अभी भी जिंदा है। भाई रिकॉइल हो जाएगा। लेकिन पानी भरने के बाद भी मैंने इसको दबोच लिया। अब यहाँ पे मेरा एक टीममेट पचक रखा है और उसको जरूरत है रिकॉल की। अब मेरा एक टीममेट रिकॉल पे तो आ रखा है, लेकिन उसको घेर रखा है तीन तीन पोरों ने।
अब एक पोरे को तो मेरा टीममेट खत्म कर देता है। रेड मार दे रेड। Awesome. Please recall me. अब उसके बाद मैं करता हूँ अपने टीममेट को रिकॉल और उसके बाद गाड़ी में बैठ के हम लोग पहुंच जाते हैं पोचिंग की वाले रिकॉल पे। अब वेयर हाउस में एक पोरा बैठ रखा है तो मैं चढ़ने वाला था इस घर के 14 रूप, लेकिन यहाँ पीछे के साइड से एक पोरा गोली चला रहा है तो इस पोरे को पकड़ने के लिए मैं आ जाता हूँ स्क्वाड हाउस में। और ये पोरा यहाँ पे बिल्कुल नजर गड़ा के बैठ रखा है। अब मेरा टीममेट इस पोरे को नॉक कर देता है तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे अंदर थोड़ी सी हीलिंग करने के लिए और मेरा टीममेट जाता है उस पोरे को फिनिश करने के लिए। और यहाँ पे इसका एक और टीममेट बैठ रखा है। अब पता नहीं ये दूसरा पोरे अचानक कहाँ से आया, लेकिन एक पोरे बैठ रखा है सामने डब्बे के पीछे और एक बैठ रखा है यहाँ पे कोपरे में। तो मैं सामने डब्बे के ऊपर फेंक के मारता हूँ एक पानी वाला फुग्गा। लेकिन जब मैं यहाँ पे पानी वाला फुग्गा निकाल रहा था तब शायद इस पोरे ने मुझे सुन लिया और यहाँ पे सीधा रश कर देता है। अब कोई बात नहीं, आ जाते हैं हम लोग अगले वाले गेम प्ले में। अब यहाँ पे उतरते कोई मिलता नहीं, लेकिन एक पोरा कर देता है मेरे टीममेट को नॉक। अब ये पोरा यहाँ पे अंदर 9 फुट स्टेप बैठ जाता है तो मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे अपने टीममेट को रिवाइव करने के लिए। थैंक यू। अब इसको तो दबोचा, लेकिन अंदर से एक और पोरे के फुटस्टेप आ रहे। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे त्रिशूल निकालते हैं और मेरा एक टीममेट मच्छी निकाल के यहाँ से निकलने वाला होता है। Excellent work. और पता नहीं ये पोरे अचानक में कहाँ से आया। अब मैं जाता हूँ इसको देखने के लिए, लेकिन ये पोरे पानी से पहुंच जाता है ऊपर तो मैं करता हूँ अपने टीममेट को रिवाइव। अब ये पोरे पहुंच रखा है ऊपर तो इसको दबोचने के लिए मैं भी जाता हूँ इसके पीछे। और पक्का ये पोरिया पहले ही दीवार के उस साइड में बैठा होगा और मुझे मारने के लिए इस साइड पे कूदा होगा। अब उसके बाद पोरे शोधने के लिए हम लोग आ जाते हैं अपार्टमेंट वाले रिकॉल पे और मेरे साथ मेरा जो ये टीममेट है इसको भी बहुत सारे किल उठाने। अब ठीक हमारे नीचे एक पोरा बैठ रखा है, लेकिन सामने लंबर गंबर के शोरूम पे मारा मारी लटक जाती है।
अब उसके बाद हम लोग जाते हैं इन पोरों को पकड़ने के लिए। और ये देख लो मेरे टीममेट की हरकत, किल्स उठाने के लिए सीधा ओपन में मच्छी रोक दी। अब किल्स तो मुझे भी चाहिए, लेकिन कहीं ओपन में ये पोरे मुझे फटके ना दे दे। तो मैं आ जाता हूँ इस अपार्टमेंट के गच्ची पे। अब यहाँ पे तीन पोरे थे, लेकिन अपने हाथ में सिर्फ एक ही की लाई। अब उसके बाद इस पहाड़ी के ऊपर हमें एक पोरा दिखा था। अब मेरा टीममेट मुझे एक भी किल नहीं लेने दे रहा, तो मुझे अपने टीममेट से ज्यादा तेज होना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और पोरा होता है, लेकिन मेरा दूसरा टीममेट जो थोड़ा सा दूर होता है वो उसको गोली चिपका देता है। अब उसके बाद पोचिंग की में से गोली चल रही होती है। चर्च पे ले भाई, घुमा मत, नीचे नीचे बंदे चर्च पे उठा ले। रुक दे रुक। अब अगर ये किल मुझे चाहिए तो मुझे इस पोरे के ऊपर रश करना पड़ेगा। अब मैं इस पोरे को तो संभाल लूंगा। लेकिन मेरे टीममेट को किसी और ने ही चिपका दिया। अब यहाँ आसपास पे एक और पोरा होता है, लेकिन यहाँ पे आ रखा है जोन, तो मैं निकल जाता हूँ यहाँ पे जोन के लिए। अब यहाँ पे मेरी M4 हो रखी है लाल, मेरे M4 में एक भी गोली नहीं है, तो मैं जा रहा होता हूँ यहाँ पे ब्रिज वाले शॉप में एमओ खरीदने के लिए। लेकिन उतने में वहाँ पे दो पोरे आ जाते हैं।